નમસ્કાર સર, આધુનિક ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, હું અંબાજીથી સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર જયેશભાઈ પટેલ આપકી સમક્ષ ઉપસ્થિત હું આવું. બતાઈએ, અપના અનુભવ બતાઈએ. इस व्यवस्था के कारण जिन जिन स्कूलों में आपको कोऑर्डिनेट करना होता होगा, वहाँ एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? सर, बहुत बढ़िया रिस्पांस है. इस नई टेक्नोलॉजी से सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ है. कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था सर, पेपरलेस कामगिरी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम उसमें जाता था. पेपर लिखने में जो फॉर्म जो हम स्कूल की मुलाकात करते थे ना, वहीं पे फॉर्म भरने में ज़्यादा ज़्यादा समय लगता था. अब क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से हमको एक टैबलेट दिया गया है, उसमें स्कूल मॉनिटरिंग ऐप एक डाली गई है. उस ऐप में विद्या समीक्षा केंद्र से एक टूर डायरी जनरेट होती है. उस टूर डायरी की मुताबिक हमें स्कूल में जाना होता है. अब सर क्या है कि स्कूल में जाते ही समय हम विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे टैबलेट में शो करती है. वो टैबलेट के जो ऑनलाइन अटेंडेंस शो करती है तो हम वहीं पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्कूल में कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने टीचर प्रेजेंट है, वहीं से फ़ायदा हुआ है. और सर क्या मैं बताऊँ कि जो हम वर्खंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विद्या समीक्षा केंद्र से लाइव वीडियो कॉल भी आता है, वहीं से भी तज्ञ हमको मार्गदर्शन करते हैं, वहीं पे वो स्कूल क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं. अच्छा, मान लीजिए मैं इसमें एक और विषय जोड़ने की कोशिश करूं तो ये आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि संभव होगा क्या, क्योंकि आप लोग पिछले दो साल से इसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आया होगा. हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं. पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दें. हाँ सर. और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी, तुम्हें दिन में इतनी कैलोरी तुम्हारे शरीर में जानी चाहिए. और वो टिक मार करे कि मैंने आज ये खाया था, ये खाया था, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया, और उसके कारण मुझे जो कैलोरी थी वो सफिशियंट मैंने नहीं ली है. वो बच्चों को खुद समझ आ जाए. वैसा अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तो तुरंत इसमें एक चीज़ और जोड़ दूंगा, लेकिन क्या हमारे टीचर्स बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल. और आपको बताना चाहूँगा सर, आपने अंबाजी में ही 2005 में दूध संजीवनी योजना जो आपने लॉन्च की थी, उससे हमारे ट्राइबल विस्तार में बहुत फायदा हुआ है सर. सब बच्चों की तंदुरुस्ती बहुत हेल्दी है सर. इसका तो चाहे मैंने शरीर देखा, अभी मुझे चिंता हो गई. सब बच्चे वो योजना से बहुत खुश हैं सर. आप पूछ सकते हैं सर. दूध संजीवनी उसको नहीं पूछ रही है क्या? नहीं, आप लोग सोचिए इसका अगर प्रोग्रामिंग करना है. हर एक इलाके में खाना अलग होता है, अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा उससे कारण क्या होगा, सब सेंसिटाइज होंगे कि भाई एक इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे कितना कैलोरी की जरूरत है, किस उम्र में क्या जरूरत है, उसका वेट इतना है तो क्या चाहिए. अगर हम उसका एक चार्ट बना दे और वीकली उसको भरने की व्यवस्था बनाए तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है. मैं अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव बताता हूँ आपको क्या होता है. मैं बहुत साल पहले कनाडा गया था, अरे बहुत साल हो गए. तो मैं वहाँ, आप बैठिए, आप बैठ जाइए. मैं साइंस म्यूजियम देखने गया था तो उसमें एक बहुत बड़ा कियोस्क था. उस जमाने में इतने छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे, बहुत बड़ा वो अपना फ्रिज मशीन जितना बड़ा एक कियोस्क था. और उसमें आप क्या खाते हैं वहाँ लिखा हुआ था कि भाई 6 नंबर पे ये चीज़ है, 8 नंबर पे ये है, तो आप नंबर भरना होता था. अब वहाँ जो लोग खाते हैं ज़्यादातर नॉनवेज होता है तो ज़्यादातर तो वही चीज़ें थी, लेकिन कहीं कहीं ब्रेड की व्यवस्था थी, कहीं सब्जी की थी, दूध की थी. तो मैंने अपना चार्ट भर दिया और उसको वो तुरंत जवाब देता है कि आपकी कैलोरी में क्या है, कमी नहीं. तो मुझे क्या जवाब आया, आपको सुन करके हंसी आ जाएगी.
जब मैं तो वेजिटेरियन हूं तो मैंने जब उतना भर दिया कि मैं ये खाता हूं, तो सामने से मुझे उसने पूछा मशीन ने कि आप पंखी है क्या? तो अगर मैं ये अगर आप लोगों के लिए दे दूं, नहीं आप लोग सोचिए, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं, सोचें, और एक अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो आप जरूर सोचिए। अब देखिए आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का कितना लाभ हो सकता है अनुभव किया है, और आज हम लोग भाग्यवान हैं, उस पीढ़ी में आप लोग हैं कि जहां टेक्नोलॉजी बहुत सुलभ है, सरल है, एक बार थोड़ी सी उसमें रुचि लेंगे तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। और बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, तब जाकर के आपकी शिक्षा व्यवस्था में एक, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो और कुछ ऑफलाइन हो ही नहीं। अब ऑनलाइन वो गुड़ खाएगा तो कहां पता चलेगा मीठा है कि नहीं है, उसके लिए तो सचमुच उसको गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे खेल कूद है, समूह जीवन है, ये सारी चीजें भूलना मत,